वेलकम टू हिना की दुनिया। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आई एम हिना अहमद एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो अभी दुबई में सुबह का वक्त है और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेरी मॉर्निंग रूटीन। मॉर्निंग रूटीन वैसे बहुत टफ होता है क्योंकि आपके पास टाइम कम होता है एंड बहुत क्विकली आपको सारा काम करना होता है। तो यहाँ पे अलियान के टिफ़िन के लिए मैं बना रही हूँ फ्रेंच टोस्ट, और यहाँ पे मैंने दो अंडे लिए हैं, मिल्क ऐड किया है मैंने, इसमें शुगर ऐड कर रही हूँ, प्लस थोड़ा सा सॉल्ट एंड सिनेमन पाउडर। एंड हस्बैंड के टिफ़िन के लिए मैंने बनाया है स्प्राउट्स एंड फ्रेंच टोस्ट दूंगी मैं। तो स्प्राउट्स मैंने ऑलरेडी बना लिया है, वो मैं आपको अभी दिखाऊंगी। सो ये फ्रेंच टोस्ट मैं बना रही हूँ ब्राउन ब्रेड का अलियान के लिए, क्योंकि अलियान को हेल्दी खाना काफ़ी पसंद है। मैंने शुरू से आदत डाली थी, फ्रूट्स अलियान को बहुत पसंद है, वेजिटेबल्स सारे नहीं पसंद लेकिन वो खा लेता है। खाने के मामले में मतलब अलियान ने मुझे कभी नहीं तंग किया। अगर मैं उसे जंक फूड दूँ खाने तो वो मुझसे घर का खाना पूछेगा कि मम्मा घर में आपने क्या बनाया है। तो बस यहाँ पे अलियान का फ्रेंच टोस्ट रेडी है, इस पर मैं ऐड कर रही हूँ चॉकलेट स्प्रेड। और इसे मैं अब स्मॉल पीसेस में कट कर लूँगी। एंड साथ में मैं दे रही हूँ बेबी कैरेट्स एंड बेरीज़, में उसे ब्लू बेरीज़ बहुत पसंद है तो वो मैं दे रही हूँ, क्योंकि जो चीज़ वो बहुत शौक से खाता है वही मैं कोशिश करती हूँ देने, ताकि वो पूरा फिनिश करके आए। और आप लोग में से जितनी भी मदर्स हैं, आप लोग को पता है कि जैसे बच्चे स्कूल से रिटर्न आते हैं घर पर, सबसे पहले हम उनका टिफ़िन चेक करते हैं, और अगर टिफ़िन अच्छे से बच्चे ने खाया है तो फिर इतना ज़्यादा सुकून मिलता है। और यहाँ पे अलियान का टिफ़िन रेडी है, और मैं साथ में बनाना फ्लेवर्ड मिल्क दे रही हूँ प्लस अलियान का वाटर बॉटल। और यहाँ पे हस्बैंड के टिफ़िन के लिए मैंने बनाया है स्प्राउट्स, बहुत ही इजी है, 5 मिनट में बन गया है ये। रेड चिल्ली पाउडर एंड नमक डाल के मैंने बॉईल कर लिया, फिर उसे तड़का दे दिया। तो यहाँ पे मैंने मेरे हस्बैंड का टिफ़िन एंड अलियान का टिफ़िन को पैक कर लिया है। एंड अलियान के स्कूल में कम्युनिटी हेल्पर डे था, तो अलियान ने चूज़ किया था कि उसे पुलिस बनना है, तो मैंने ये कॉस्ट्यूम बहुत ही क्विकली रेंट पे अरेंज किया था, क्योंकि इसे बाय करने का कुछ मतलब था नहीं, पहनने में इतना आता नहीं है। तो ये है अलियान का लुक। सो गाइस, अब ये है मेरा मी टाइम। अब मैं अकेली हूँ घर पे, बिल्कुल सुकून में एकदम रिलैक्स करूँगी मैं। तो सबसे पहले उठते ही साथ ब्रश करने से पहले मैं लेती हूँ गर्म पानी, एंड गर्म पानी में मैं कुछ ऐड नहीं करती हूँ, लेमन या फिर हनी, क्योंकि गर्म पानी इट्सेल्फ आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, स्ट्रेस को डिक्रीज़ करता है एंड प्लस डाइजेशन के लिए तो बहुत अच्छा है। सो न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद मैं नीचे जाती हूँ सिर्फ और सिर्फ बर्ड्स की चॉपिंग सुनने के लिए, एंड थोड़ा सा मेरा वॉक भी हो जाता है, क्योंकि अभी क्लाइमेट बहुत अच्छा है दुबई में, गर्मी बिल्कुल नहीं है तो अच्छा भी लगता है नीचे जाने। सो गाइस, वॉक करने के बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट रेडी करती हूँ। ब्रेकफास्ट में मैं आज बना रही हूँ पीनट बटर टोस्ट। वैसे अलग अलग मूड के हिसाब से मैं बनाती हूँ, कभी पराठे, कभी सैंडविच, कभी उपमा या पोहा। अंडे की बहुत ज़्यादा शौकीन नहीं हूँ मैं, कभी कभी बना लेती हूँ। और चाय में जिंजर के बगैर तो मैं चाय बिल्कुल नहीं पी पाती हूँ, प्लस मैं अपने चाय में शुगर भी नहीं ऐड करती हूँ, क्योंकि शुगर आपके हेल्थ के लिए नहीं सही है। और यहाँ पे मैं पीनट बटर लगा रही हूँ टोस्ट पे। सो गाइस, मी टाइम को आप लोग भी बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइज़ करें, क्योंकि खुद के लिए हमारे पास टाइम नहीं होता है, लेकिन जब टाइम मिलता है तो उसे बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइज़ आप लोग भी करें, क्योंकि फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छी तरह से पॉजिटिव वे में हम लेके चल सकते हैं, ना कि स्ट्रेस में, एंड रिलैक्स भी बहुत फील करते हैं। तो यहाँ पर मेरा ब्रेकफास्ट भी रेडी है।
सो ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं अपने प्लांट्स को देखती हूँ कौन से प्लांट की क्या रिक्वायरमेंट है। ये है मेरा इंडो प्लांट और इसे मुझे वाटर फिल करना था। और अब मैं आपको ले जाऊंगी मेरे बालकनी में जहाँ पे 5 मिनट की धूप नहीं आती है। और यहाँ पे आप लोग फ्लावरिंग देखिए, यह है चाइनीज़ वॉलेट का प्लांट, इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है विदाउट सनलाइट। और ये है लंटाना का प्लांट, ये सारे प्लांट्स विदाउट सनलाइट बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रहे हैं। आप लोग में से जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं ये सारे प्लांट्स आप लोग लगा सकते हैं, इसमें फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा होती है। और ये है मेरा पर्सलिन का प्लांट। सो गाइस, मैं इसमें वीक में एक बार फर्टिलाइज़र देती हूँ, तो आप लोग ये सारे प्लांट्स लगा सकते हैं अगर धूप नहीं आती है। और अभी मैं आपको मेरी बालकनी नहीं दिखाऊंगी क्योंकि मुझे विंटर शॉपिंग करनी है प्लांट्स की। सो इसलिए मैं नर्सरी जब जाऊंगी तो वो वीडियो ज़रूर शेयर करूंगी आप लोग के साथ कि कौन कौन से विंटर प्लांट्स मैंने लिए हैं। और यहाँ पे मैं इंजॉय कर रही हूँ मेरा योगर्ट। सो सुबह के वक्त मेरे पास बहुत काम नहीं होता है, अलियान के आने के बाद स्टार्ट हो जाता है मेरा काम, क्योंकि मैंने वैसे भी बाकी काम के लिए मेड रखा हुआ है एंड मेड आ भी गया है, 12 बजे का टाइम है। तो यहाँ पे सफाई अब स्टार्ट हो चुकी है एंड मैं लंच के लिए बना रही हूँ फ़िश फ्राई। तो यहाँ पे फ़िश भी फ्राई हो रही है लंच के लिए। एंड गाइस, दुबई में 6.1 का अर्थक्वेक आया था जो कि बहुत स्कैरी था, हमने हल्का सा फील किया। एंड इतना ज़्यादा सब लोग डर गए थे कि भागते हुए सब लोग नीचे आए। आप लोग देख सकते हैं कितना क्राउड है, लेकिन ये है कि अल्लाह ने बचा लिया और सब सेफ हैं। सो बस इसी के साथ मैं व्लॉग एंड कर रही हूँ। और आपको कैसा लगा मेरी मॉर्निंग रूटीन मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। आपको अगर कोई और वीडियोस भी देखनी है तो मुझे प्लीज़ आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अच्छे से नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट फ्राइडे। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड थैंक यू सो मच।